आएंगे तो वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी पर आरोप पत्र बम दागा है। दरअसल जिस वक्त प्रदेश की जनता घोषणा पत्र का इंतजार कर रही है, वहां कांग्रेस की तरफ से आरोप पत्र का बम जारी कर दिया गया और इस आरोप पत्र के जरिए बीजेपी की रीति नीति और कथनी करनी को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर महिला सुरक्षा के दावों पर वार किया गया, रोजगार से लेकर रिसर्जेंट राजस्थान के मुद्दों पर बीजेपी को घेरा गया। लेकिन बीजेपी ने इसकी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। अब वो किस तरीके से तैयारी थी, ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में जनता इंतजार कर रही है कि वो घोषणा पत्र आए जिसमें कुछ ऐसा हो जो नया हो, जो बदलाव ला पाए, छोटा ही सही वादा पूरा हो पाए, क्योंकि बीते 20 सालों में चार घोषणा पत्रों में दोनों ही पार्टियों ने लगभग एक जैसे वादे किए हैं और मुमकिन है कि वही वादे फिर से इस बार भी दिखाई दे। लेकिन घोषणा पत्र से पहले आरोप पत्र आया है, वो आरोप पत्र जो बीजेपी के 2013 के संकल्प पत्र के खिलाफत करता है और बताता है कि संकल्प पत्र में जो संकल्प किए गए थे वो खोखले थे और आरोप पत्र को जारी करने की जिम्मेदारी उठाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने। आज मीडिया के सामने आते हुए पायलट जहाज की रफ्तार से बीजेपी पर आरोपों की बौछार वाले बम गिराते नजर आए। रोजगार से लेकर किसान और महिला सुरक्षा से लेकर शौचालय, हर मुद्दे पर बीजेपी को आरोपों के चक्रव्यूह में बांधने की रचना की। सचिन का आरोप पत्र बम, प्रदेश पर कर्जा 1 करोड़ 9 लाख करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख करोड़ हो गया है। किसानों की आत्महत्या पर सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है। यूरिया की किल्लत है, पुलिस की निगरानी में यूरिया बांटा जा रहा है। नरेगा को इस सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया है। नरेगा में 100 दिन काम करने वाले मजदूरों की संख्या आधी हो गई है। 44 लाख लोगों को नौकरी देने का दावा सरकार का झूठा है। प्रदेश में महिला अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। 17 लाख परिवारों को शौचालय निर्माण का भुगतान नहीं किया गया। बिजली के तारों से मौतों का आंकड़ा 2000 से ज्यादा हो गया है। बिजली चोरी के मामले में सबसे ऊपर झालावाड़ जिला आ गया है। रिसर्जेंट राजस्थान के जरिए 470 MOU में से आधे भी पूरे नहीं हो पाए। प्रदेश में संकट के वक्त केंद्र सरकार ने सहायता नहीं की। राजस्थानी भाषा और राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिला पाई सरकार। भामाशाह योजना के जरिए बीजेपी का प्रचार और भ्रष्टाचार हुआ है। 1.9 लाख करोड़ का हमारे पे कर्ज था, वो आज 3.10 लाख करोड़ हो गया। 1.09 लाख करोड़ पहले था, अब 3.10 लाख करोड़ हो गया है, लगभग 3 गुना। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, मुझे खेद है कि सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली हैं और वास्तविकता से अपना चेहरा फेर लिया है। जिन लोगों ने जहर खाकर फांसी लेकर अपनी जानें ली हैं, उनके परिजनों के आंसू पोंछने हम लोग घरों में गए हैं। सरकार बोलती है कि ऐसा हुआ ही नहीं है, उन किसानों के व्यक्तिगत झगड़े थे, पारिवारिक झगड़े थे, ये जमीन के झगड़े थे। स्वच्छ भारत अभियान की बहुत उन्होंने ढिंढोरा पीटा था, लोगों से व्यवस्थित शौचालय बनवा दिए। 17 लाख परिवार राजस्थान में आज ऐसे हैं जिनके शौचालय निर्माण का जो भुगतान होता है वो सरकार ने नहीं किया। 17 लाख परिवार। नरेगा को लगभग इस सरकार ने समाप्त कर दिया है। जो नरेगा कार्यक्रम शुरू किया था उसको सरकार ने जानबूझ के लगभग समाप्त कर दिया। किसी भी जिले में कहीं नरेगा पुख्ता रूप से काम हो रहा हो मैं नहीं मानता हूं, अगर हो भी रहा है तो लोगों की पेमेंट्स बहुत लेट हो रही है। साफ तौर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, एक कार्टेल बना हुआ है अस्पतालों का, एजेंट्स का और चंद सत्ता के गरीब लोगों का। वो लगातार उस कार्ड का मिसयूज करके करोड़ों खरबों रुपए निकाल रहे हैं, उसमें से जांच के आदेश देने में सरकार कतरा रही है, क्योंकि फिर सरकार की योजना पर सवाल उठ जाएगा। सचिन पायलट ने आरोप पत्र जारी किया उससे पहले ही बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आई थी। जिम्मेदारी को संभालते हुए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया के सामने मोर्चा खोल दिया था और आरोप पत्र के विपरीत कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा था, ये भी हम आपको सुनाते हैं। चल रही है, आज मुझे बताया गया अभी कि वो चार्जशीट देने वाले हैं हमारे सरकार पर। पहले तो जो चार्जशीटेड है वो हमें क्या चार्जशीट देंगे? खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पर, जमानत पर मुक्त है। दोनों तरफ से आरोप लगाए गए, लेकिन सच तो यही है कि जनता घोषणा पत्र का इंतजार कर रही है, उन घोषणाओं का जो अगले 5 सालों के लिए हो, उसी कार्यकाल में पूरी हो और जनता को राहत दे पाए। वरना आरोप पत्र एक रिवायत होगी जो हर बार दिखाई देगी और घोषणा पत्र एक औपचारिकता जिसमें मुद्दों के आधार पर सिर्फ भाषा बदलेगी।
लेकिन इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच में जनता को इंतजार है अपने मतदान का। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फलोदी में गुरुवार को कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज किया। गहलोत ने मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में कांग्रेस प्रत्याशी महेश व्यास के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी ने युवाओं को मौका दिया और फलोदी सहित कई सीटों पर युवाओं को मैदान में उतारा। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी ने कहा था कि 70 साल कांग्रेस को दिए हैं, मुझे 50 दिन दे दो, अगर देश के हालात नहीं बदले तो मुझे चौराहे पर लटका देना। गहलोत ने कहा कि आज देश का हर चौराहा पीएम मोदी का इंतजार कर रहा है। गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश गंभीर हालत से गुजर रहा है और बीजेपी की बातें सिर्फ जुमला ही निकली, कुछ और नहीं।